नमस्कार, मैं अनु ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया लाइव। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का काला कारोबार बहुत फल फूल रहा है। जिले में हरियाणा ब्रांड की शराब की तस्करी भी बढ़ गई है। बिजनौर पुलिस और क्राइम से 525 पेटी और अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के बीच आंकी जा रही है। पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिले की आबकारी टीम की नाक के नीचे लगातार अवैध शराब की अवैध कारोबार जहां फल फूल रहा है, तो वहीं पर विभाग को शराब माफिया मोटी रकम देकर इस अवैध शराब के खेल को खुलेआम खेल रहे हैं। बिजनौर के थाना शहर कोतवाली और क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली। अब जब मुखबिर की सूचना पर बिजनौर थाने की पुलिस ने झाल रोड पर चेकिंग की, तो एक ट्रक में 525 पेटी हरियाणा मार्ग अवैध शराब सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की कीमत बाजार में 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। शासन के आदेश पर अवैध शराब को पकड़ने का अभियान चल रहा है। वहीं शराब के काले कारोबार में लगे शराब माफियाओं को और आबकारी विभाग की मिली भगत के चलते शराब का कारोबार जिले में फल फूल रहा है। माफिया द्वारा बिक्री के लिए ले जाई गई शराब हरियाणा मेड की शराब मैकबल पार्टी स्पेशल इंपीरियल ब्लू रॉयल स्टैग ट्रक में भरकर हरियाणा से बिजनौर ले जाई जा रही थी। उधर बिजनौर सीओ सिटी गजेंद्र सिंह का कहना है कि हरियाणा में मिनी ट्रक में लाखों रुपए की कीमत की शराब तस्कर कर लाई जा रही थी, जिसे सूचना के आधार पर पकड़ लिया गया है। साथ ही इस कारोबार में जुड़े दो शराब माफिया पकड़ लिए गए हैं। बिजनौर से चैनल लाइव के लिए मनीष शुक्ला की रिपोर्ट।